जाती हूँ साथ में सर, इनके भैया भाभी का सर इंटरफेयर रहता है हमारे जीवन में, इसलिए बोल रही थी सर। सर मैं वहाँ से हट के नहीं रह सकता। मम्मी साथ में रहती है सर, और बुजुर्ग है वो, अब बेड में सर, अभी तो फिलहाल बेड रेस्ट है। सर फर्स्ट एक ऑफ मई मई 2000। सर 1 मई 2013। कितने दिन रहे साथ? साथ में कितने दिन रहे अंदाज? सर 2 साल सर पहले तो साथ में थे, फिर उसके बाद सर मतलब अलग हुए सर, फिर 2018 में फिर सर गई थी सर मैं इनके घर, साथ में थी करीबन। 2015 में लिख रहे बैठा। कोई डिस्प्यूट कब से चालू हुआ? जी डिस्प्यूट विवाद कब से चालू हो गया दोनों के बीच? जी सर, शादी के सर 2 साल बाद से ही शुरू। तो 9 साल से डिस्प्यूट चल रहा है। 13 का मैरिज है, 2 साल बाद से डिस्प्यूट चल रहा है। क्या अलग चाहते हैं? अलग कब से रह रहे हैं? पूरा 9 साल हो गए। यस जी सर अभी के नहीं व्हाट दे वांट बेसिकली। अभी तो इतने साल अलग हो गए, हम यदि डिक्री अलाउ भी करेंगे, डिसमिस करेंगे, वॉट एवर, आप लोगों को मिलेगा क्या दोनों को? सर, मैं तो रहना चाहती हूँ सर इनके साथ, पर रखना नहीं चाहते सर ये। और सर मैं बस ये कह रही थी सर कि उस जगह से थोड़ी दूर में बस रहना चाहती हूँ साथ में सर, इनके भैया भाभी का सर इंटरफेयर रहता है हमारे जीवन में, इसलिए बोल रही थी सर। रास्ता आपस में सेटल कर लेना। आप देखिए, जबरदस्ती तो रह नहीं सकते। नहीं, आप आपका क्या कहना है? सर मैं वहाँ से हट के नहीं रह सकता। मम्मी साथ में रहती है सर, और बुजुर्ग है वो, अब बेड में सर, अभी तो फिलहाल बेड रेस्ट है। सर मैं साथ में मम्मी को रखने के साथ में ही रहूंगी सर, मम्मी के साथ में ही रहूंगी, लेकिन सर बस उस घर से सर 2 4 घर बाद भी सर अगर ये रहते हैं लेकर मुझे, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ सर, बस ये कह रही थी। तो आपके कंडीशनल रहने के लिए तैयार है, मतलब वो भी कैसे चलेगा? अपना नहीं सर, घर पे रहना क्योंकि चाह रहे हैं? सर जहाँ रहते हैं सर वो भी सर इनका तो है नहीं सर, इनके भैया कह रहे थे कि उनका है सर, क्या तो दिक्कत? बाद में मुझे सर भविष्य में कोई परेशानी हो सकती है सर, इसलिए बोल रही थी सर। आप अपने मैके के पास रहना चाह रही हैं? जी आपका मैका कहाँ है? आपका पेरेंट मायके का घर किधर है? सर यही है सर, लोकल ये जहाँ ये बिलासपुर रहते हैं उसी के आसपास है क्या? जी सर, 1 किलोमीटर सर दूर में। तो आप कहाँ रहना चाहती हैं? इनके अभी जिस घर में रह रहे वहां या अलग घर में? क्यों? सर थोड़ा अलग रहना चाहती है सर दूसरों में सर, इनके भैया भाभी का इंटरफेयर रहता है सर, बहुत परेशान करते हैं सर, इसलिए। तो मतलब इनसे प्रॉब्लम नहीं है, इनके भाई बहनों से प्रॉब्लम है? जी सर, वो भी इनको पता नहीं सर क्या कहते हैं और ये भी झगड़ने लग जाते हैं, इसलिए बोल रही हूँ उसके बिना आप नहीं रहेंगी? अगर उसी घर में जी। रहते हैं तो वहां आप नहीं जाएंगी? जी नहीं सर, फिर सर वही झगड़े वगैरह होंगे सर, विवाद बार बार। मैं सपोजिंग ये जाना नहीं चाहते, अलग नहीं होना चाहते, तो क्या आप वहां पे जाना चाहते हैं? वहां पे नहीं रहेंगे? नहीं सर, ये तो बोल रहा नहीं हटेंगे वहां से, तो फिर क्या करेंगे? फिर ऐसा दोनों ये तो कंटिन्यू करके व्हाट इज द पॉइंट अल्टीमेटली? अब तीसरे घर में यदि रह रहे हैं और बता रहे हैं कि इनकी माँ बेड रिडन है, क्या नहीं सर माँ को तो साथ में ही रहना है सर, उनको तो मेरे साथ काम ही। करते हो आप? सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर वकालत में। अपना काम करते हुए बाहर जाएंगे कि मदर को देखेंगे? और आप क्या करती हैं? नहीं सर मैं अभी कुछ नहीं करती सर, वही मदर के पास रही है? क्यों, क्या दिक्कत है? मैं रहना सर मैं मम्मी को लेकर साथ रहने में को रहना तैयार हूँ चालू सर, करिए अगर पॉसिबल है अच्छे से। इनका मैं उनकी सेवा देख रेख करने को तैयार हूँ सर, ऐसा नहीं है कि इंडिकेशन है आप बार बार मायके चले जाती हैं। इनका नहीं सर, ऐसा नहीं है सर जो आवेदन है इसमें लिखा सर है ये बल्कि झगड़ा करते हैं और बल्कि ये वहां से भगा देते हैं सर। आप दोनों के बीच में कोई सेटल कर सकते हैं? यदि साथ रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई और तरीका है आपस आप में? चाहते हैं अलग रहना, ये बोलते हैं अलग नहीं रहेंगे, तो रास्ता क्या निकलेगा? हम तो कोर्ट से ऐसा ऑर्डर तो कर नहीं सकते, नहीं साथ में रहो। नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, ये सेपरेट होना है या साथ में रहना है तो साथ में रहिए। वो कंडीशनल वैसा कैसे होगा कि यहां से यहां रहेंगे तभी रहेंगे? 9 साल हो गए, और कितने साल लिटिगेशन चलेगा? अपनी एज तो बढ़ाए जा रहे हैं दोनों।
मीडिएशन भी करना चाह रहे हैं कोई सेटल? हाँ भेज दें क्या मेडिटेशन टू हैव अ डायलॉग, डिटेल डायलॉग? रहे या कुछ ऐसा तय कर लें, अगर 13 बीम जाना हो या कुछ, हाँ, क्योंकि नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, फिर क्या जबरदस्ती हमें दी, डिक्री भी दी, खारिज भी करते हैं, डिसमिस भी करते हैं, आप जाके रहेंगे क्या? ये सोच लीजिए, ये सोच के ही बुलाए थे आप, अभी वो तो आप टिकरी लोगों के ऊपर डिसमिस है। है, हाँ, अभी टिकरी नहीं मिली अभी अभी तो वो। डिक्री है नहीं, अभी दोनों मैरिड है। मेडिएशन के लिए बोल दीजिए, थोड़ा बात कर लीजिए मेडिएशन के लिए सर, कर दीजिए असल में साथ है, बात यदि कर। पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, कोई एक पक्ष तैयार नहीं हो रहा है किसी भी तरह से रहने के लिए, तो सिर्फ खींचना है, टाइम ही खींचते रहना है। हमको जो कानूनन डिसाइड करना कर देंगे, उससे आपको फायदा किसी को नहीं होगा, दोनों को, मतलब आपको या इनको, दोनों को। तो जबरदस्ती तो इनको भी हम नहीं बोल सकते, एक यहाँ पे जाके रहो आप जहाँ चाह रहे हैं, आपको भी नहीं बोल सकते वहां रहो, दोनों बराबर भाई। ठीक डायलॉग, डिटेल डायलॉग, बोथ आर एडमेंट आई थिंक। बताइए कुछ ऐसा। बट कैन इट बी केप्ट इन नॉटरीज? वी इन द मीन टाइम हाँ, वी नॉटरीज में ही रख विल देते हैं, ठीक है। वी बोथ विल हैव अ डिटेल्ड यू डायलॉग गेट, विद अवर क्लाइंट हाँ, नॉटरीज। व्हाट इज द पॉइंट इन दैट? इफ दैट वी कांट फोर्स इवन द बाय जुडिशियल ऑर्डर, वी कांट ट्रांस द पार्टीज टू अंडर द वन शेल्टर। इट इज ऑल स्टेट ऑफ माइंड, हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज स्टेट ऑफ माइंड। इवन इफ देयर इज अ डिग्री अंडर सेक्शन 9 ऑल्सो, देन हाँ, ऑल्सो नोबडी कैन हार्डली फोर्स वन, देम टू इज ऑल स्टेट ऑफ माइंड। करते हैं, इट्स मे बी नॉटरीज कैप्टन में रख नॉट। दो। आफ्टर ब्रीफ इंटरेक्शन ऑफ द पार्टीज, वी डीम इट प्रॉपर टू फिक्स इट आफ्टर 3 मिनट्स।